नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल फार्मेसी हिंदी पे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको SSRI क्लास की एंटी डिप्रेशन मेडिसिन की जानकारी देंगे। SSRI यानी कि सेलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर। इस क्लास की बहुत सी मेडिसिन आती हैं, जैसे कि पेरोक्सिटिन, सिटालोपराम, फ्लुक्सिटिन, सर्टालिन, क्लोनाजीपाम। इस वीडियो में हम आपको सर्टालिन टैबलेट के बारे में जानकारी देंगे। इस टैबलेट को बिना पूरी जानकारी लेना जानलेवा हो सकता है, तो इस वीडियो को अंत तक देखें। सबसे पहले बात करते हैं इस टैबलेट का प्रयोग कब किया जाता है। इस टैबलेट का प्रयोग मेंटल डिसऑर्डर OCD यानी कि इंसान कोई काम करता है तो उसे भूल जाता है और एक ही काम को बार बार करने का प्रयास करता है। डिप्रेशन, एंग्जाइटी में ज़्यादा परेशानी होती है और नींद भी नहीं आती है। प्रीमेंसुरल सिंड्रोम, पैनिक डिसऑर्डर के ट्रीटमेंट में भी इस टैबलेट का प्रयोग किया जाता है। साथ ही पोस्ट ट्रोमेटिक स्ट्रेस में भी इस टैबलेट का प्रयोग किया जाता है। इस टैबलेट का प्रयोग और भी अन्य कंडीशंस में किया जा सकता है। बात करें इसकी स्ट्रेंथ की तो यह 25 mg, 50 mg और 100 mg में आती है। ज़्यादातर 25 और 50 mg यूज की जाती है। इस टैबलेट को लेते समय कुछ सावधानियां भी बरतनी चाहिए, जैसे कि इस टैबलेट को लेने के बाद ड्राइविंग न करें, अल्कोहल न लें, क्योंकि इससे नींद ज़्यादा आ सकती है। और जो इंसान इस टैबलेट को लेता है उसको सुसाइड के विचार भी आ सकते हैं, तो पेशेंट का भी ध्यान रखना चाहिए। और यह एक शेड्यूल एच प्रिस्क्रिप्शन ड्रग है। इस मेडिसिन के कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं, जैसे कि चक्कर आना, लूज मोशन, सेक्स डिजायर कम हो जाना, भूख कम लगना, पसीना ज़्यादा आना या हाथ पैर में झुनझुनी होना। इनमें से कोई साइड इफ़ेक्ट ज़्यादा बढ़े या इनसे अलग कोई साइड इफ़ेक्ट नज़र आए तो तुरंत अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें। इस टैबलेट की डोज डॉक्टर पेशेंट की कंडीशन, एज, वेट व बाकी हिस्ट्री देख के डिसाइड करता है। इस टैबलेट के साथ कुछ अन्य टैबलेट्स का ही प्रयोग किया जा सकता है किसी स्पेसिफिक ट्रीटमेंट में, तो इसे डॉक्टर की सलाह पर ही लें। हमने कोशिश की आपको इस टैबलेट के बारे में संपूर्ण जानकारी देने की। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू।